हेलो एवरी वन, वेलकम टू शोम्स आईएएस। मैं हूँ शिवांगी शर्मा एंड टुडे विथ सेकेंड चैप्टर ऑफ द वेरी सेम बुक विच इज़ आर पास्ट ऑफ क्लास सिक्स हिस्ट्री। सो ओके, सो द सेकेंड चैप्टर इज फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू द ग्राउलिंग फूड। सो दिस चैप्टर इज गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बिकॉज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम हंटिंग और गैदरिंग से फूड उगाने में शुरू हुए। ठीक है, सो दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग। उसके पहले हम पढ़ लेते हैं तुषार जी की ट्रेन जर्नी। सो तुषार जी जो हैं वो दिल्ली से चेन्नई जा रहे थे अपनी कज़न की वेडिंग में। वो जा रहे थे ट्रेन से। ठीक है, तो वो विंडो से जो है विंडो सीट में वो बैठे और वो देख रहे थे, जब अपने ग्लास से बाहर देख रहे थे सब कुछ, तब उनके अंकल जो है वो उनके शोल्डर पे हाथ रख के बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि जो ट्रेन है वो सबसे पहले यूज़ की गई थी आज से 150 साल पहले। ठीक है, और बसेस जो है वो आज से भी 10 साल बाद में बनना शुरू हुई। ओके, सो तुषार सोचते हैं कि अगर ऐसा था तो लोग कैसे फास्ट ट्रैवल करते थे, क्या उस टाइम लोग वहीं रहा करते थे जहां वो बोर्न होते थे? नहीं, सो नहीं, ऐसा नहीं है। लोग तो ट्रैवल करते थे उस टाइम भी, कैसे? अब वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, सो द अर्लीस्ट पीपल, Why were they on move? जो सबसे पहले के लोग थे वो मूव क्यों करते थे? Why do they travel? ठीक है, तो उस टाइम पे जो लोग थे जो सब कॉन्टिनेंट टाइम पे रहते थे आज से करीब करीब 2 million years ago, आज हम उन लोगों को हंटर गैदर्स के नाम से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये इसलिए उनका नाम है बिकॉज ये तरीका है वो कहाँ से कैसे अपना फूड लाते थे, खाते थे। ठीक है, जनरली वो जो वाइल्ड एनिमल्स है और फिश है, बर्ड्स हैं, इन लोगों को खाते थे। उसके अलावा जो फ्रूट्स रूट नट सीड लीव स्टाक एंड एग्स, ये बेसिक चीज़ें थे जो वो खाया करते थे। जो हंटर गैदर्स थे वो प्लेस टू प्लेस ना मूव करते थे। इसके काफ़ी रीजंस थे। फर्स्ट, क्योंकि वो किसी भी एक जगह पे अगर काफ़ी लंबे टाइम तक रहते थे तो बेसिकली उनका जो भी अवेलेबल प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो जाते थे। ठीक है, इसलिए उनको कहीं और जाना पड़ता था। सेकंड रीज़न ये है कि जो एनिमल्स है वो भी जगह से जगह ट्रैवल करते हैं ताकि उनको शिकार मिल सके छोटा छोटा। ठीक है, तो अगर डियर और वाइल्ड कैटर का केस हो तो वो ग्रास और लीव्स के लिए जगह जगह पे मूव करते हैं। वैसा ही होता है जो लोग हंट करते हैं, जो जो जानवर हंट करते हैं, तो इसीलिए लोगों को भी मूव करना पड़ता था। द थर्ड रीज़न इज़ जो प्लांट और ट्रीज है वो किसी भी पर्टिकुलर सीजन में ही फ्रूट्स उगाते हैं, राइट? जैसे अगर आप जाओ कुल्लू साइड, अगर आप जाते हैं हिमाचल प्रदेश के, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे एप्पल्स मिलते हैं। बट अगर आप किसी गर्म इलाके पे हो तो फिर आपको वहाँ पर जो है मैंगो मिलेंगे। ठीक है, तो एप्पल्स और मैंगो आर ग्रोन इन टू डिफरेंट टाइम स्पैन, टू डिफरेंट सीजन्स। ठीक है, इसीलिए तब भी जो है लोगों को वो ट्रैवल करना पड़ता था। फोर्थ रीज़न इज़ कि पीपल, प्लांट एंड एनिमल, उनको पानी की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो लेक्स और स्ट्रीम्स के आसपास ही ट्रैवल किया करते थे। ठीक है, मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल और कुछ सीजनल भी होते हैं। ठीक है, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल्स, इन लोगों के बारे में हमें कैसे पता है? तो आर्कियोलॉजिस्ट को जो हंटर गैदर्स थे वो ऐसी कुछ जो वो चीज़ें बनाते थे और जो चीज़ें यूज़ करते थे उसके कुछ सैम्पल्स मिले हैं बेसिकली। ठीक है, वो बेसिकली होते क्या हैं? दे आर लाइक स्टोन्स, वो स्टोन्स होते हैं, वुड्स होते हैं और बोन्स होती हैं। ठीक है, जिनको इस तरह से, जिसमें भी जो स्टोन के टूल्स हैं उनको इस तरह से वो लोग बना देते थे, इस तरह से उनको टूल बना देते थे कि वो मतलब सबसे अच्छा, ताकि वो शिकार कर रहे बेसिकली। और जो भी स्टोन के थे ना वो सबसे ज़्यादा टिके, वो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, जो स्टोन के टूल्स थे वो क्यों यूज़ किया जाते थे, क्यों बनाते थे? बेसिकली दे वर यूज टू कट द मीट एंड बोन, स्क्रेप बार्क, ट्रीज का बार्क निकालने के लिए, और एनिमल की स्किन हटाने के लिए। उसके अलावा फ्रूट और रूट्स को चॉप करने के लिए भी वो यूज़ किया करते थे। इनमें बोन और लकड़ी का हैंडल बना दिया जाता था जस्ट टू यूज़ देम मोर इजीली। उसके अलावा
जिनसे एरोस बना सकते हैं, मतलब भाला बनाते हैं ना हंटिंग के लिए, यू मस्ट बी सीन इन एनी काइंड ऑफ, आपने कार्टून में भी देखा होगा या कहीं टीवी में भी देखा होगा, ऐसे एरोस बनाते हैं, भाला बनाते हैं हंटिंग के लिए, है ना। उसके अलावा लकड़ी को चॉप करने के लिए भी, ठीक है। फिर और उस चॉप वुड का यूज़ करते थे और चीज़ें बनाने के लिए, एक तो फायरवुड के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। उसके अलावा वुड्स का हट्स और टूल्स बनाने में भी यूज़ होता था, ठीक है। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, कौन सी जगह पे रहना है, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, ठीक है। लुक एट मैप टू बिलो, जहाँ पे भी रेड ट्राइंगल्स है वो ऐसे साइट्स है जहाँ पे आर्क्योलॉजिस्ट को हंटर और गैदर्स के साइन मिले हैं, ठीक है, कुछ एविडेंस मिले हैं। सो द रेड ट्राइंगल विच इज द भीमबेटका, द कर्नूल केव्स एंड द हंसकी, ओके दैट इज इट आई गेस, ओनली थ्री आर देयर। सो उसके अलावा कुछ साइट्स जो हैं ये वो वाटर सोर्सेज और रिवर्स और लेक्स के पास ही सिचुएटेड है, ठीक है। नदी के, यहाँ देखो नदी के पास और वाटर के पास ही बेसिकली ये है होते हैं, ठीक है। जबकि स्टोन्स बहुत इम्पॉर्टेंट थे, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, तो लोग उन एरियो पे ज़्यादा रहते थे जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो काफ़ी रॉक पेंटिंग है, जहाँ पे कुछ ऐसी पेंटिंग्स है जिससे हमें पता चलता है कि कैसे लोग उस टाइम पे हंट किया करते थे, ठीक है। फाइंडिंग अबाउट फायर, आग कैसे बनी, ठीक है। फायर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, नॉट रिसोर्स बट फायर इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्नूल केव्स, अभी हमने देखा कार्नूल केव, सॉरी, इन जगहों पे हमें ऐश मिली है। व्हाट इज ऐश, मतलब राख मिली है, ठीक है, राख भी नहीं, द ट्रेसिस ऑफ ऐश। इससे हमें ये पता चलता है कि जो पुराने लोग हैं वो फायर के यूज़ से फेमिलियर थे। फायर का यूज़ क्यों क्यों किया जा सकता है, फायर का यूज़ किया जाता है काफ़ी जगह के लिए, जैसे लाइट के लिए, रोस्ट मीट को रोस्ट करने के लिए, उसके अलावा जो एनिमल्स है ना उनको दूर भगाने के लिए भी आग का यूज़ किया जाता था, ठीक है। अ चेंजिंग एनवायरमेंट, देखो लगभग 12,000 साल पहले एक मेजर क्लाइमेट चेंज आया जिससे कि हमारा जो कंडीशन है वो ज़्यादा से वो बहुत गर्म हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हुआ जिससे डियर्स, एंटीलोप, गॉट, शीप, केटल जैसे एनिमल बहुत ज़्यादा सर्वाइव होने लग गए, बिकॉज ग्रासलैंड्स में व्हाट दे नीड इज ग्रास, तो इसलिए इन लोगों का नंबर इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो इन एनिमल्स को हंट करते थे वो इतने ज़्यादा रेशो में नहीं बढ़े हुए, ठीक है। तो लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सेशन, लोगों ने इनको पालना शुरू किया, इनके हर्डिंग और इनकी रियरिंग शुरू की, ठीक है। उसके बाद फिशिंग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया। फार्मिंग और हर्डिंग कैसे शुरू हुई, देखो इस टाइम पे काफ़ी ग्रेन्स भी, मतलब ग्रासेस के और जो भी वीट है, बार्ली है, राइस है, जो कि सब कौन डिफरेंट डिफरेंट यू नो, जब वो उगे, जब वो नेचुरली उगे, तब लोगों ने इनको इकट्ठा करना शुरू किया और लोगों को पता चल गया ठीक है इनको पका के खा सकते हैं। तो फिर इनकी वजह से लोगों ने प्लांट्स उगाना शुरू किया, दे स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, ठीक है। और इसी तरह से वो क्या बने, दे बिकेम फार्मर्स। फार्मर्स क्या होता है, फार्म इज समथिंग विच ग्रो फूड, ठीक है। उसके अलावा एनिमल को, लोग जानवरों को पालना, ठीक है, उनको अपने पास रखना, अपने शेल्टर पे रखना, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो एनिमल था जो टेम किया गया, जिसको पाला गया, वो द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, ठीक है। द वेरी फर्स्ट एनिमल विच वॉज टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, मतलब कुत्ते का जो जंगली एंसेस्टर, व्हाट इज एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, ठीक है। सो द वे जो सबसे पहले पाला गया डैट वॉज बेसिकली अ डॉग, ठीक है, जो एक डॉग है वो सबसे पहले पालतू बना, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद में शीप, गोट, कैटल जैसे लोगों को भी, और उसके अलावा पिग भी हर्ड हुआ गया, मतलब पिग को भी पालना शुरू किया, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ये क्या करते थे, ये तो घास ही खाते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हम ये लोग थे, जो पीपल्स थे उस टाइम के, उन्होंने
उनको बचाना भी शुरू किया, दे स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स के अटैक। अगर आप एक भेड़ पाल रहे हो, ठीक है, यू आर रेयरिंग अ शीप, जब आप ऐसी जगह पे रहते हो पुराने ज़माने पे, आप इतना अच्छा घर तो नहीं बना के रहते थे, शीप तो एक कितने ज़्यादा चांसेस है कि एक वाइल्ड एनिमल आके उसका वो बने, है ना, उसको मतलब एक वाइल्ड एनिमल आकर उसको खाने के लिए आए। डेट इज़ वाई जब तब लोगों ने इनको बचाना भी शुरू किया, ठीक है। और जब ये हुआ तब लोग हर्डर्स बने। व्हाट इज़ हर्डर्स? हर्डर्स मतलब चरवाहे, ठीक है। उस टाइम लोगों को हर्डर्स का भी वो दिया गया, जब उन्होंने दूसरे जानवरों को बचाना भी शुरू किया, ठीक है। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब देखो, अगर आप कोई भी सीड डालते हो उगाने के लिए, छोड़ते हो, तो वो कितना टाइम लेगा, कभी कितने दिन, वीक, मंथ, और कभी कभी तो साल भी लग जाते हैं। इसका मतलब है जब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया, तब उन्होंने एक ही जगह पे काफ़ी टाइम तक रहना रहते होंगे वो, तभी उस पर्टिकुलर जगह पे वो उगाते हैं, ठीक है। सपोज आप किसी भी चीज़ का पेड़ लगाते हो, सपोज यू आर ग्रोइंग एन ऑरेंज ट्री, तो उस ट्री को उगने में काफ़ी टाइम लगेंगे, तो इसका मतलब है ना आप उसी पर्टिकुलर जगह पे रहते हो, इसका मतलब है आप वहीं रहते हो इसलिए आप वहाँ पे उगा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब है इस टाइम पे लोगों ने एक ही जगह पे काफ़ी ज़्यादा टाइम रहना शुरू किया, ठीक है, क्योंकि अब वो उस पौधे को पानी भी देना है, उसकी वीडिंग भी करनी है, उसको एनिमल्स और बर्ड से बचाना भी है, जब तक जो भी ग्रेन है वो पक नहीं जाता है, ठीक है। इसका और उसके अलावा उस ग्रेन को स्टोर भी तो करके रखना है, खाने के लिए भी और सीड के लिए भी, ठीक है। तो उस टाइम पे लोगों ने बड़े बड़े क्ले के पॉट्स और बास्केट्स और डग बनाना शुरू किए, ग्राउंड में डग पिट्स बनाना, मतलब पिट्स बनाना शुरू किए, ताकि वो उसी में अपना खाना स्टोर कर सके। अब आता है रियरिंग एनिमल्स। देखो, एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली, ठीक है, उन पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसके अलावा वो क्या करते हैं, वो मिल्क प्रोवाइड करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का और मीट का भी। उसके अलावा जब भी मतलब एनिमल्स जो भी है वो, उनको भी हम एज द स्टोर ऑफ आर फूड कंसीडर कर सकते हैं, राइट, क्योंकि जब भी आपको दूध चाहिए आप गाय से दूध ले लोगे, ठीक है। जब भी आपको मांस चाहिए आप कोई भी, अगर आप भेड़ बकरी कोई भी भेड़ को या बकरी को मार के खा सकते हो, राइट, जब भी आपको ज़रूरत है। सो डैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ स्टोर फॉर आर फूड। ओके, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अगर हम फिर से मैप टू में जाए, विच इज़ ऑन पेज नंबर 12, तो यहाँ पे हमें कुछ ब्लू स्क्वेयर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी जो ब्लू स्क्वेयर्स है, इनसे लोगों को, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है, इन ब्लू स्क्वेयर्स में मिलते हैं किस चीज़ के निशान, हर्डर्स और जो भी हर्डर्स थे उनके निशान यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि ये बेसिकली वो एरिया है जहाँ पर फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सबसे पहले जहाँ पर हर्डिंग की गई होगी, ठीक है, फार्मर्स और हर्डर्स के। जो साइंटिफिक स्टडी है वो, उसमें प्लांट्स और एनिमल्स के बोन्स हमें मिल गई हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे वो रहा करते थे लोग सालों पहले। तो साइंटिस्ट उन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कितनी कितनी क्रॉप्स और क्या क्रॉप्स उन सब कॉन्टिनेंट्स में उगाई गई होगी वो हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा जो अलग अलग जानवर है वहाँ के, उनके बोन्स भी आइडेंटिफाई कर की जा सकती है। टुवर्ड अ सेटल्ड लाइफ। अब आर्क्योलॉजिस्ट ने ये चीज़ भी मिली है कि वहाँ हम उस टाइम पे लोग हट्स और हाउसेस बनाया करते थे कुछ साइट्स में, ठीक है। जैसे उस टाइम का जो बर्जा होम था, जिसको आज हम कश्मीर के नाम से जानते हैं, वो हाउसेस को, मतलब वो पिट हाउसेस बनाया करते थे, मतलब जो कि ग्राउंड के अंदर वो था, ठीक है। उसके अलावा जो कुकिंग है, जो कुकिंग के निशान मिले हैं वो घर के अंदर और उन हट्स के अंदर और हट्स के बाहर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा वो, मतलब इसका ये मतलब है कि वेदर के अकॉर्डिंग लोग सोचते थे कि खाना अंदर बनाना है कि बाहर, ठीक है। काफ़ी लोग जो है वो पैथलियोटिक टूल्स भी यूज़ करते थे, इसलिए उनको क्या बोले जाते हैं, उनको बोले जाते हैं न्यूलिथिक। इनमें बेसिकली क्या होता है, इनमें होते हैं जो कि एक फाइन कटिंग एज होता है जिनसे हम कुछ भी काट सके, ठीक है, मोर्टल पेस्टल्स। उसके अलावा जिनको ग्रेन की ग्राइंडिंग के लिए या और प्लांट प्रोड्यूस के लिए यूज़ करते होंगे उस टाइम पे लोग, ओके। उसी में जो पहले पैलियोलिथिक
टाइप्स थे उसमें मिलता है हमें कुछ ऐसे टूल्स जो कि बोन्स के भी बने होते थे, बोन्स मतलब हड्डियों के भी बने होते थे। उसके अलावा कुछ अर्दन पोट्स भी बनाए हमें मिलते हैं, दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड, ये कुछ कभी कभी डेकोरेटेड भी थे, जो बेसिकली थिंग्स को स्टोर करने के लिए रखा जाता था खान, ठीक है। उसके अलावा लोगों ने खाना बनाने के लिए भी पॉट्स का यूज़ करना शुरू किया, स्पेशली ऑफ राइस व्हीट एंड लेंटल्स, ठीक है, जो कि आज के टाइम पे हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा लोगों ने कपड़े बुनना भी शुरू किया, देखो कैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, अब कपड़े बुनना भी शुरू किया, ठीक है। इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट फाबिक जो हमारे फाबिक है ये भी इंट्रोड्यूस कर दिए होंगे, ठीक है। जो चीज़ें हैं वो हर जगह बदले या सिर्फ ऑल एट वंस, ऐसा नहीं हुआ। कुछ एरियाज में मेंस और वुमेन्स अभी भी हंट और गैदर ही करते थे फूड, कुछ लोग फार्मिंग भी अडॉप्ट कर चुके थे, हर्डिंग स्लोली स्लोली अभी कर ही रहे थे सेवरल थाउजेंड ईयर्स से। उसके अलावा सीजन्स के अकॉर्डिंग क्या क्या लोग करते हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कुछ ऐसी जगहों पे। लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, अगर हम मैप टू में मेहरगढ़ ढूंढे तो इसमें बेसिकली एक फर्टाइल प्लेन है जहाँ पे मतलब बोलन पास के पास है एक फर्टाइल प्लेन जो कि एक इम्पॉर्टेंट रूट है ईरान के लिए। तो जो मेहरगढ़ है वो एक काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों ने बार्ली और वीट को ग्रो करना सीखा। उसके अलावा शीप और गोट्स को फर्स्ट टाइम इस एरिया में ही रियर किया गया था, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी जानवरों की हड्डियाँ भी देखने को मिलती है, जैसे कि डियर और पिग। उसके अलावा शीप गोट्स ऐसी चीज़ों की भी हमें हड्डियाँ देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि इधर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हाउसेस होते हैं जिसमें चार या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट ही देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि एज अ स्टोरेज यूज़ किया जाता होगा ओवर अ टाइम। यहाँ पे देखो, दिस इज़ अ बरियल ऑफ मेहरगढ़, मेहरगढ़ का ये एक बरियल है। बरियल क्या होता है, जब लोग मर जाते थे तो उनके जो भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे वो उनको रिस्पेक्ट पे करते थे, रिस्पेक्ट इन द सेंस कि है ना, जैसे दुख जाहिर करते हैं लोग। ऐसा माना जाता था उस टाइम पे कि डेथ के बाद भी एक ज़िंदगी है, तो लोग उनको उनका ध्यान रखा जाता था। बरियल एक ऐसा अरेंजमेंट था जिसमें उस पर्टिकुलर आदमी के साथ साथ किसी बकरी को भी उसके साथ गाड़ दिया जाता था, जिससे जिसको ये माना जाता था कि अगले जन्म में अगली जो दुनिया होगी उसमें वो उसका एज अ फूड सर्व किया जाएगा, ठीक है। सो यस, डैट इज इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।